जैसे जुलाई हो गया ऑन दी हवा इस दर्दे दिल की सिफारिश कोई कर दे इस तरह कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। जी हाँ दर्शकों, भिगाने वाली बारिश तो आजकल रोज ही हो रही है और जैसा कि आप सब लोग अच्छे से जानते हैं कि मौसम जो है वो अभी बरसात की करवट पे पहुंचा हुआ है और जिस तरह से मौसम ने ये जो करवट ली है, ये मौसम में बहुत सारे लोग हैं जो खाने के शौकीन हैं और खाने के शौकीनों के लिए आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डिश जो डोगरों में तो बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है। नाम नहीं पता, आओ दिखाई देते हैं आपको कि क्या वो डिश। अगर आपको ये वीडियोस देख के अभी भी समझ नहीं आया कि मैं किस मिठाई की बात कर रही हूँ, तो मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ कि मैं मालपुए की बात कर रही हूँ, या फिर जिसको हम अपनी देसी भाषा में बोलते हैं पूड़े दहीरो जी। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि पूड़े जो है वो बरसात के मौसम में बहुत पसंद किए जाते हैं, खास करके जम्मू के लोग जो है वो पूड़े बहुत पसंद करते हैं। तो आइए जरा बातचीत करते हैं। तो नमस्ते अंकल जी, क्या हाल चाल है? मैं बढ़िया है। अंकल जी एक बात बताओ, ये पूड़े जो है ये स्पेशली बरसात के मौसम में बनते हैं या ऐसे? बरसात में बनते हैं, ऐसे नहीं बनते। ऐसे सिर्फ बरसात के मौसम में? सिर्फ बरसात में बनते हैं, क्योंकि ये खराब हो जाते हैं बाद में। अच्छा, ये मौसम खुश्क होता है, खराब होता है, इसलिए इस बरसात का मौसम ऐसा होता है, सिल्ला मौसम होता है, इसलिए ये 2 महीने ही बनते हैं। जुलाई हो गया हवा तो अब देखो ना अंकल जी, सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ कि पूड़े हैं मतलब कितने सालों से ये मिठाई जो है वो चलती आ रही है? सदी पुरानी है और फेमस है, जम्मू की मिठाई। हाँ, जम्मू डोगरों की शान है ये। अब लोगों ने जैसे सुना, अंकल ने क्या बोला कि ये जो मिठाई है ये डोगरों की शान है, डोगरों की पहचान है। अच्छा अंकल जी एक चीज मेरे को और बताओ कि जिस तरह से ये जो मौसम है, आपने बोला कि बरसात के मौसम में लोग पूड़े वूड़े खाते हैं, जैसे बरसात का मौसम चल रहा है लोग और भी मिठाइयाँ ज्यादातर लेने आते हैं, सबसे ज्यादा स्पेशली आते ही पूड़े खाने के लिए? नहीं, खाते सब कुछ है, लेकिन ये खास ये होता 2 महीने के लिए सबसे बेस्ट होती है। और सबसे ज्यादा डिमांड किसकी होती है? पूड़े की होती है। तो जैसा आपने देखा सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो पूड़े की डाली जाती है इस टाइम का मौसम, तो इसलिए होती है। जैसे आपने बताया कि मौसम ही बरसात का है, तो और क्या बोलोगे इसके बारे में? बस यही बोलूंगा भाई, अच्छा मौसम होता है तो पूड़े के लिए। हाँ जी अंकल जी, देखा जाए तो अभी रखड़ी का भी मौसम आ रहा है। रखड़ी मतलब मौसम क्या, रखड़ी का त्योहार आ ही रहा है, आ ही गया समझ लो अब, क्योंकि जुलाई तो गया, जुलाई खत्म हो गया, हाँ तो अगस्त में अब ये आ जाएगा। जैसे अगस्त में राखी के टाइम पे सबसे ज्यादा यही खरीदते हैं, सबसे ज्यादा यही बिकता है, सबसे ज्यादा यही बिकता है। तो बाकी की मिठाइयाँ लोग होते हैं वो कम कम अवॉइड करते हैं, तो लोग सबसे ज्यादा यही वाली मिठाई इस टाइम पे खाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये ऐसी आइटम है खराब नहीं होती। तो ये ऐसी आइटम है कि इस मौसम में खराब नहीं होती, बाकी फिर थोड़ा खराब होने का डर होता है, ये खराब नहीं होती है। ये ऐसी मिठाई जब मर्जी रखो, 2 दिन रखो, महीना रखो, कोई खराब नहीं होती। एक चीज बताओ ना अंकल जी, मैंने भी मतलब बचपन से पूड़े खाए हैं, मतलब आपने भी खाए होंगे, पर लेकिन सबसे ये चीज मतलब जो जानने वाली बात है वो ये है कि जब पूड़े बनाते हैं तो ये मतलब कौन सा आटा यूज होता है इसके लिए? ये मैदा होता है, चीनी होती है, सूजी होती है, तो इनको मिक्स करके बनाते हैं और बीच में सौंफ डाल देते हैं। अच्छा, सौंफ मतलब फ्लेवर के लिए? हाँ जी हाँ जी। तो फिर उसके बाद फिर जब इसका आटा वाटा गूंध गया, फिर उसके बाद क्या करते हैं? इसको बनाते हैं कढ़ाई में, फ्राई करते हैं तभी। तो पर लेकिन उसमें वो जो मीठा मीठा फ्लेवर आता है ऐसे चाशनी का, वो मैदे के बीच में चीनी होती है ना, उसकी वजह से आता है। तो ये सीधे फ्राई करके सीधे आपकी प्लेट में आ जाते हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। अच्छा एक बात बताओ, अब मेरे को ये बताओ कि जैसे ये वाली जब बन जाती है तो बनने के बाद लोग इसको गर्म गर्म पसंद करते होंगे ज्यादा? ज्यादा मैक्सिमम गर्म गर्म पसंद करते हैं खाने, क्योंकि ये करेड़े होते हैं, करारे करारे होते हैं ना, ठंडे होते थोड़ा मजा कम आता है, लेकिन गर्म गर्म में ज्यादा मजा आता है, खासकर बरसात के मौसम जब बारिश लगी हो तब मजा आता खाने। बारिश का मौसम है तो आप लोग भी थोड़ा सा, अगर आपने मालपुए नहीं खाया या पूड़े अगर आपने नहीं खाए हैं, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि आप भी जरूर ट्राई करें, आपको भी बहुत पसंद आएगा। तो अच्छा अंकल जी, हमारे साथ अपना टाइम जो है वो आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटे। तो जैसा कि आप सब लोग इसमें देख सकते हो, ये वाला जो है ये करारा वाला स्टफ है और ये वाला जो है काफी सॉफ्ट एंड स्पंजी स्टफ है, जिसे मतलब गर्म गर्म है तो मैं इसे खा नहीं पा रही हूँ अभी, पर लेकिन जैसे ये थोड़ा सा ठंडा होता है तो मैं इसको खाऊंगी। We'll be right back.
आई वुड डेफिनेटली रेकमेंड कि आपको भी ये ट्राई ज़रूर करना चाहिए, और अगर आप लोगों ने एक बार भी नहीं खाया है तो। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये हमारे जम्मू की डिश है, हमारे जम्मू की मिठाई है, जो जिसके बारे में लोगों को अभी तक नहीं पता कि ये कितनी सदियों पुरानी डिश है। और दूसरी बात ये, मैंने तो टेस्ट कर ली है, अब बारी है आपकी। अगर टेस्ट नहीं किया है डेफिनेटली ट्राई दिस, क्योंकि देखो बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में थोड़ा सा एंजॉयमेंट तो बनता है। आप भी एक ना एक बार अपनी लाइफ में पूड़े ज़रूर टेस्ट कीजिए। और आज इस बारिश के मौसम में तो मैं आपके साथ हूँ ही, और तब तक के लिए लोगों से इजाज़त लेना चाहूँगी। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुदा हाफिज़। साक्षी साहनी, न्यूज़ फॉर यू।